कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने बो हादसे में घायल लोगों का कुशलक्षेम जानने शाहपुर अस्पताल पहुंचे और उन्हें फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए घायलों को मदद करने का ऐलान भी किया। साथ ही इलाज के लिए सीटी स्कैन व एक्सरे का खर्च उठाने की बात भी उन्होंने की। इस मौके पर उन्होंने 5 साल की बच्ची जिसे पीजीआई रेफर किया गया था उसके इलाज का खर्च उठाने की बात भी की। पूर्व मंत्री बाली ने कहा कि शाहपुर क्षेत्र के भो में हुए हादसे से वे काफी सदमे में हैं और इसीलिए वे घायलों का कुशलक्षेम जानने यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भो में हुए लैंडस्लाइड हादसे में 5 लोग जीवित बचा लिए गए थे जिनको हल्की चोटें भी आई थी। इनका इलाज शाहपुर अस्पताल में चल रहा था जिनमें से एक पुरुष को टांडा अस्पताल रेफर किया गया और एक बच्ची को पीजीआई भेजा गया है। उन्होंने राजौल में भी पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। सर किस तरह देखते हैं अभी यहाँ पर जो पीड़ित लोगों से आप मिले हैं? देखिए नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ जो पेशेंट हैं वो जो यहाँ के डॉक्टर सब हैं और स्टाफ, उन्होंने बताया कि वो उनको फ्रैक्चर वगैरह है और अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर अच्छी तरह से उनकी देखभाल हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो भी है उनको अच्छा इलाज कराएंगे और कोई कहीं पे कोई चीज़ की अवस्था होगी तो हम लोग भी उसके लिए तैयार है। मैंने अपनी तरफ से जो तीनों पेशेंट यहाँ थे उनको, जो टांडा में है एक पेशेंट, उनको 5,000 रुपये पूरी रात के तौर पर दिया है और भी जरूरत पड़ेगी तो उसको हम दें। बच्ची सर एक जो है वो सीरी से उसे पीजीआई भेजा गया, उसका मांगी है डिटेल। मैं पीजीआई में डॉक्टरों से बातचीत करके उसको जो संभव मदद होगी वो करेंगे। थैंक यू डॉक्टर।